नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का हम चौथा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले तीन लेक्चर हमने पढ़ाया सिंधु घाटी की सभ्यता को, वो पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा, तभी आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल हो पाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, पूरी डिटेल में आपको सिंधु घाटी की सभ्यता बताया जा रहा है, जो कि एक प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, अब से आप मेरे द्वारा बने हुए कोर्स अनअकैडमी पर भी पा सकते हैं, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेज बने हुए हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके जो PDF मिल रहे हैं वहीं पर मिल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, या आप टेलीग्राम पर @श्रीएजुकेशन जो लिख कर सर्च करेंगे ना, तब भी आप हमारे इस ग्रुप को पा सकते हैं। और वहां पे जो पहले से अपलोड हो चुके हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अब मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं हम वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि बता दिया गया है आपको कि जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमने इसको कुछ भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो बेसिक जानकारी थी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, जो वो दी थी हमने आपको। नामकरण इसका ये क्यों है, वो क्यों है। फिर उत्पत्ति के बारे में बताया था आपको कि जो अलग अलग विद्वानों के जो मत है ना, कि कुछ विद्वानों के मत है कि यहाँ उसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां से हुई है, कुछ का कुछ मानना था, तो वो सब बता दिया गया था। कालक्रम के बारे में बताया गया था कि इसमें भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, मगर जो कार्बन 14 से जो है प्रमाणित हुई है टाइम पीरियड, वही हमने माना हुआ है ऑथेंटिक। और विस्तार इसका बताया गया था कि कहाँ कहाँ इसका पूरा विस्तार है, इस भारत पाकिस्तान के अंदर प्रमुख इसका विस्तार था, और अफगानिस्तान में भी दो स्थल थे, तो जो महत्वपूर्ण नहीं थे, मेन जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर है। और जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें आपको बताया गया था 7 नगरों, 7 जो स्थल है उनको नगरों की संख्या दी हुई थी, बाकी जो है वैसे ही फेमस नहीं थे। मगर आपको बताया गया था कि जो 7 नगर थे उनमें जो 7 तो नगर थे वो पूर्वी टीला और या पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के रूप में बटे हुए थे। पूर्वी भाग को नगर टीला हम कह रहे थे और पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कह रहे थे। और उसमें 2 स्थल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, हड़प्पा स्थल जो था पहला वो पढ़ा दिया, उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले पढ़ाएंगे चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो के बाद लोथल, इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। चन्हुदड़ो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में है ये। और नदी के बारे में पूछा जाए तो ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। अब इसकी खोज के बारे में देखिए दोस्तों, इसकी जो खोज है 1931 में NG मजुमदार ने करवाई थी। NG मजुमदार को इसकी खोज का श्रेय जाता है। और 1935 में भी इसका उत्खनन करवाया था, मैके ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता वैसे, जानकारी के लिए देख लीजिए। 1931 में इसका उत्खनन हुआ था, उसके बाद 1935 में मैके ने इसका उत्खनन करवाया था, और जो मनके बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं वो मैके की खोजी थी, मैके ने इसको खोजा था। जो कि आप जानते हैं चन्हुदड़ो की जो सबसे फेमस जो चीजें पूछी जाती हैं वो है मनके बनाने के कारखाने, तो मनके बनाने कारखाने के लिए सबसे फेमस था ये। उसका देखिए, चन्हुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद जो है, जब सिंधु संस्कृति यहाँ समाप्त हो गई थी, इसका पतन हो गया था, उसके बाद झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति जो है यहाँ पर विकसित हुई थी। ताम्रपाषाण में इनका नाम आता है, ताम्रपाषाण काल पढ़ते समय, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में वो वाला टाइम पीरियड जो सिंधु सभ्यता के बाद का था, क्योंकि ताम्रपाषाण में क्या था, सिंधु से पहले भी था, सिंधु के समकालीन भी था और सिंधु के बाद का भी था, बताया गया था आपको सब। उसमें झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति का नाम आता है, मगर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि चन्हुदड़ो में जो है सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी, झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। उसके देखिए मनके बनाने का कारखाना, हालांकि मनके बनाने का कारखाना जो है चन्हुदड़ो के साथ लोथल में भी पाया गया है। चन्हुदड़ो जो है वो ज्यादा फेमस है, और लोथल की इसके बाद बात करेंगे। लोथल में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा फेमस होगा गोदीवाड़ा जो है टाकयाड़, उसके नाते वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैके ने जो है यहाँ से
मनके बनाने कारखाने यहाँ से खोजे थे, मैके ने जो है यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने ये खोजे हैं उसका। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी मुद्रा मिली है ना जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। तो ये पूछा जाए कि 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन जिस मुद्रा पर है वो कहाँ से पाई गई है, तो चन्हुदड़ो से पाई गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और याद रखिए आप कि यहीं से एक ईंट जो है पाई गई है, उस ईंट पर जो है निशान है, पंजों के निशान है, बिल्ली के और कुत्ते के पंजों के निशान है। उसमें ये अनुमान लगाया गया है ना कि कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का भी निशान है। और दोस्तों याद रखिए यही एक ऐसा स्थल है पूरे पूरे हड़प्पा सभ्यता में जहां पर वक्राकार ईंटें भी पाई गई हैं। ठीक है, आयताकार ईंटों के साथ साथ वक्राकार ईंटें भी पाई गई हैं यहीं पर। जैसे नॉर्मल ईंटें इस तरीके से पाई गई, यहाँ पर जो है ईंटें इस तरीके से भी ईंटें पाई गई हैं। ठीक है, जिस टाइप जिस शेप का कुछ बनाना होता था उसी टाइप का यहाँ पे ईंटें भी पाई गई हैं। और देखिए नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि चन्हुदड़ो से ही लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्रा आदि के भी प्रमाण मिले हैं, ये भी आप बात नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि चुनुदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई जो है पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये मिट्टी की जो पकी हुई पाइप नुमा नालियां हैं इनका प्रयोग जो है गंदे पानी के निकास के लिए किया जाता था। जैसा आप आज देखेंगे सीवरेज में जो है यूज किया जाता पाइप सीमेंट की पकी हुई होती है ना, वहां उस समय जो है मिट्टी की पकी हुई पाइपों का यूज किया गया था चन्हुदड़ो से, यही साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यही एक ऐसा स्थल है जो नगर जितने भी नगर आपको बताए गए हैं ना, जितने भी नगर आपको बताए जाएंगे, चन्हुदड़ो ही एक ऐसा नगर था जहां पे जो है दुर्गीकृत का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर क्या हो रहा था, जो दुर्ग टीला था और आपका ये नगर टीला था, ये पूर्वी वाला ये पश्चिमी वाला, पश्चिमी वाला दुर्ग टीला था ना, इसको आपने देखा होगा ज्यादातर क्या है ये रक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे, इसका दुर्गीकरण किया रहता था, मगर यहाँ पर इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही एक ऐसा मात्र स्थल होगा जो जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है, चन्हुदड़ो, ये याद रखिएगा। बाकी जो 6 नगर जगह बचे हुए हैं उनमें आप देखेंगे वो दुर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, बस लोथल में थोड़ा सा अलग होगा कि ये दोनों एक साथ दुर्गीकृत किए गए हैं, वो आगे हम चल कर देख लेते हैं। तो ये चन्हुदड़ो के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, सील वाइज आपको बताई गई हैं, आसानी से आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसका। देखिए हम चलते हैं लोथल की तरफ। ठीक है, अब लोथल में सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, स्थान तो ये भारत के अंदर आया था। अभी तीनों जो बताया आपको, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और हड़प्पा, ये तीनों जो है पाकिस्तान में थे, अब आ गए हम भारत में। तो भारत के अंदर लोथल, तो ये कहाँ पे है भारत के अंदर, तो गुजरात के अहमदाबाद के निकट है, अहमदाबाद जिले के अंदर है ये, और भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप में आप देख सकते हैं, तो जो समुद्र तट है उसी के पास है ये, तो इसलिए आपको याद करने में भी आसानी होगी कि यहाँ पर जो है गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं यहीं से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है लोथल के लिए। अब बात आती है इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो है 1954 में, कब 1954 में, SR राव ने जो है इसकी खोज की थी। इसकी खोज का जो श्रेय है SR राव को जाता है, 1954 में इसकी खोज की थी उन्होंने। उसका देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, गोदीवाड़ा वाला, तो गोदीवाड़ा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी एक प्रमुख बात, और जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि लोथल जो स्थल है इसी को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है, तो लोथल को ही लघु हड़प्पा कहा जाता है, या लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, किस स्थल को, तो लोथल को कहा जाता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये भी मिल जाएगा, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता, कि मुर्दों का नगर, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या था, मुर्दों का टीला, और लोथल को जो है मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, मुर्दों का नगर किसे कहा, नगर, मुर्दों का नगर
लोथल को कहा जाता है, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। ये दो बातें पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। किसे कहा गया है? लोथल को। उसके बाद देखिए बात करते हैं गोदीवाड़ा की, बंदरगाह की या डाक यार्ड की। देखिए जो लोथल है, लोथल जो आपका, ये आपका दुर्ग टीला है और ये आपका क्या है, नगर टीला, मतलब पूर्वी टीला, और ये आपका पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी टीला। तो यहाँ पे देखिए ना ये अलग से दुर्गीकृत किया गया था, ना ये, दोनों एक साथ दुर्गीकृत किए गए थे। ठीक है, दोनों एक साथ दुर्गीकृत किए गए थे। और यहाँ पर पूर्वी भाग में जो है, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि एक डॉकयार्ड मिला है, एक गोदीवाड़ा मिला है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 223 मीटर इसकी लंबाई थी। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 35 मीटर जो है इसकी चौड़ाई थी, और गहराई की इसकी बात की जाए तो 38 मीटर ये गहरा था। ठीक है, 38 मीटर ये गहरा था। तो आप देख रहे हैं इसमें लंबाई इसकी 223 मीटर थी और 35 मीटर चौड़ाई थी, 38 मीटर गहराई इसकी है। अब देखिए जो इसका उत्तरी भाग है, ये वाला इसका उत्तरी भाग है ना, तो यहाँ 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर चौड़ा यहाँ पे एक द्वार था, जहां से जो पानी वाले जहाज थे ना वो आया जाया करते थे। एंट्री वाला यही था, एंट्री वाला सिस्टम जो है यही था। ठीक है, इसके बाद ये नदी मिल गया था। तो बंदरगाह आप समझ पा रहे हैं इसका एंट्री लेवल यहाँ पे था। और देखिए पानी की मात्रा कभी ज्यादा कम जो ना हो जाए उसके लिए देखिए इन्होंने दक्षिणी भाग में, इस दक्षिणी भाग में एक जल निकास के लिए एक नाली बनाई हुई थी, ताकि पानी का लेवल जो है वो ज्यादा कम ना हो पाए, उसकी भी इन्होंने जो है सुविधा की हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि इस नगर में जो है जल प्रबंध बहुत ही उत्तम था, जल प्रबंध व्यवस्था जो है वो बहुत ही उत्तम की हुई थी। तो गोदीवाड़ा के बारे में आपको ये मालूम पड़ गया। ठीक है, बस यही ज्यादातर पूछा था, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये समुद्र किनारे हैं, आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अहमदाबाद देखेंगे से थोड़ी दूर जाकर जो है ये आपका समुद्र आ जाएगा। हालांकि समुद्र से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे है, मगर फिर भी आप याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से 20 समाधियां मिली हैं। तो जो लोथल नगर था, ये नगर क्षेत्र जो था, जैसे ये दुर्ग क्षेत्र है आपका, दुर्गी दुर्ग टीला है, ये आपका नगर, ये टीला है, नगर क्षेत्र है। जो नगर क्षेत्र आपका था, तो नगर के उत्तर पश्चिम किनारे पर जो है 20 समाधि मिली हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र मिला है यहाँ पे 20 समाधियां मिली हैं। और लोथल से ही, ये भी याद, बात याद रखिएगा, 3 युग्मित समाधियां भी यहीं से मिली हैं। 3 युग्मित समाधियों का जो है एग्जाम्पल यहीं से मिला हुआ है। तो इस तरीके से जो है अनुमान लगाया गया है कि जो सती प्रथा आप जानते हैं ना, तो सती प्रथा के बराबरी का अनुमान लगाया गया है। तो सती प्रथा से इसे जोड़ा गया है, 3 युग्मित पुरुष और स्त्री के जो है वो समाधि मिली है यहाँ से, तो इसलिए सती प्रथा के साथ जोड़ के देखा गया है इसको, उसी टाइप का कुछ होगा ऐसा अनुमान लगाया गया है। और देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक अग्निकुंड मिला है दोस्तों लोथल से, लोथल से एक अग्निकुंड का अवशेष मिला हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हालांकि अग्निकुंड आपको आगे भी चलकर देखने को मिलेंगे, जैसे आगे आप कालीबंगा पढ़ेंगे वहां से भी आपको जो है अग्निकुंड के साक्ष्य मिलेंगे। तो लोथल के लिए बता दूं, लोथल में भी जो है एक अग्निकुंड जो है वो पाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो दुर्ग क्षेत्र था, ये वाला आपका दुर्ग क्षेत्र था, ये नगर क्षेत्र है, नगर है ये, और ये जो दुर्ग क्षेत्र था लोथल में, यहाँ पर प्रशासनिक भवन पाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक विशाल भवन पाया गया है जिसकी लंबाई 126 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 मीटर चौड़ा है। तो एक भवन पाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो है प्रशासनिक भवन हो सकता है। ठीक है, इसको प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई है। और देखिए दोस्तों रंगाई कुंड भी यहाँ मिला हुआ है, यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है जो कि नगर में, जो नगर वाला इलाका था वहां पे स्थित था। ठीक है, रंगाई कुंड। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो मैंने लिखी नहीं हुई है, वो याद रखिएगा, जिस तरीके से चन्हुदड़ो में भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, तो लोथल में भी मनके बनाने के कारखाने पाए गए हैं। ठीक है, तो लोथल और चन्हुदड़ो आप देखेंगे ये ऐसे नगर होंगे जहां पर आपको मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने में इन दोनों का नाम आएगा।
तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मनके बनाने कारखाने के लिए चनूदड़ो सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बाद जो है आपका लोथल आएगा। तो दोस्तों चनूदड़ो और लोथल के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको कालीबंगा के बारे में बताएंगे, जो कि आपका पांचवा नगर होगा, और बनवाली के बारे में बताएंगे, धोलावीरा के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से नगरों के बारे में जो डिटेल में पढ़ने के बाद जो बाकी जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में भी जो इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इनकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि 40% जो है लगभग कंप्लीट हुआ है, अभी मेन चीज जो है वो बाकी है, जो विशेषताएं होंगी, जैसे उसमें पता लगेगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो उस समय किस प्रकार से थी, लोगों का जो आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, व्यापार किस तरीके से करते थे और उनका धार्मिक जीवन कैसा था, लिपि ऐसी कैसी थी, तो वो सब आपको जो है बताया जाएगा डिटेल में। और उसके साथ ही जो जगह पाई जा रही है, अलग अलग जो चीजें पाई जा रही है उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे मनके जो पाए गए हैं ना, तो मनके किस तरीके से थे, जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वो किस तरीके से, सारी चर्चा करेंगे, एक एक चीज आपको बता दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। स्क्रीन पर जो चार वीडियो हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।